प्रिय दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्रेस्टीज इंडक्शन में E7 एरर को रिपेयर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम इंडक्शन को ऑन करते हैं तुरंत ही हमारा E7 का एरर आ जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी एरर को दूर करने वाले हैं। चलिए अब देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हमने खोल लिया है, अब हम आपको एक बार फिर से ऑन करके दिखा देते हैं। जैसे ही हम ऑन करेंगे हमारा इंडक्शन तुरंत E7 का एरर दे देता है। चलिए अब हम अपने मल्टीमीटर को 1000 DC वोल्ट पर सेट करके हम वोल्टेज को चेक करते हैं कि कहां पर फॉल्ट है जिसके वजह से हमारा E7 का एरर आ रहा है। सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर के वोल्टेज को चेक करेंगे जो कि 325 वोल्ट है, और उसके बाद अब हम जो हमारा कॉइल का इनपुट पॉइंट होता है उस पर वोल्टेज चेक करेंगे, उस पर भी हमारा 325। कॉइल के आउटपुट पॉइंट और IGBT के कलेक्टर पर भी हमें 325 ही वोल्ट मिल रहा है। अब हम जो हमारे आउटपुट पॉइंट से रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ वोल्ट ड्रॉप होकर 266 वोल्ट मिला। अब इसके बाद एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ वोल्ट ड्रॉप होकर 230 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। अब हमें इनपुट पॉइंट से कॉइल के यहाँ पर हमारा उतना ही वोल्टेज है 325। अब एक रेजिस्टेंस बाद हमारा वोल्टेज ड्रॉप होकर 149 वोल्ट के करीब आ गया। दूसरे रेजिस्टेंस पर हमें 3 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। चलिए अब मीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट कर लिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें 3 वोल्ट प्राप्त हो रहा है जो कि IC के 19 नंबर पिन पर भी हमें 3 वोल्ट ही प्राप्त हो रहा है, जबकि IC के 20 नंबर पिन पर हमें कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। और चलिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस ओपन हुआ है इस रेजिस्टेंस को हम इस साइड से देख लेते हैं। इसमें आप कॉइल के आउटपुट पॉइंट्स, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, फिर इधर कुल 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं और उसके 20 नंबर पिन पर IC के जाता है, और कॉइल के आउटपुट पॉइंट से इधर एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस इधर, 2 रेजिस्टेंस लगकर IC के 19 नंबर पिन पर हमारा वोल्टेज आता है जो कि 3 वोल्ट, उतना ही हमारा 20 नंबर पिन पर भी होना चाहिए करीब 3 वोल्ट के आसपास। चलिए अब हम रेजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं। अब हम रेजिस्टेंस को ओपन कर लिए हैं एक तरफ से। अब हम अपने मल्टीमीटर को 2000 के पर सेट कर लेंगे और उसके बाद अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेक करेंगे। देखिए ये पहला वाला रेजिस्टेंस 200 के का है जो कि 200 फुल बता रहा है, दूसरा वाला भी हमारा 200 के का है। अगर हम दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगे हैं चेक करते हैं तो हमारा 404 के का बता रहा है, जबकि यह ओपन वाला रेजिस्टेंस हमारा कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, और जो प्लेट में लगे हुए हैं वो रेजिस्टेंस सही है। अब हम कॉइल के आउटपुट पॉइंट के रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, यहाँ पर हमें 168 रीडिंग दिखा रहा है दोनों रेजिस्टेंस। अगर हम प्लेट से एक रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे तो हमारा जो इनपुट पॉइंट रेजिस्टेंस है वह भी हमें 200 के का बताएगा। चलिए अब हम रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसकी वैल्यू को हम एक बार मीटर में चेक करके दिखाते हैं।
देखिए यह रेजिस्टेंस हमारा कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के दोनों साइड पर आप हाथ से पकड़ेंगे तो अगर रेजिस्टेंस ओपन रहेगा तो ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, जो कि 800 के करीब में दिखा रहा था। आपको रेजिस्टेंस चेक करने के लिए एक तरफ रेजिस्टेंस को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ आप रेजिस्टेंस को नहीं पकड़ेंगे। अब हम यह नया वाला रेजिस्टेंस है हमारा, जो कि हम दूसरे किट से निकाले हैं, इसको हम जैसे चेक करें इसी प्रकार से चेक करेंगे तो आपको सही रीडिंग मिलेगी। अगर आप हाथ लगा देंगे रेजिस्टेंस सही है तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, रीडिंग घट के बताएगा। अगर रेजिस्टेंस ओपन रहेगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखाई देती है। चलिए अब हम इस रेजिस्टेंस को हम अपने इस प्लेट में लगा देते हैं। चलिए अब हम यह को सोल्ड कर लेते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब हम एक बार लाइट में लगाकर ऑन कर लिए हैं। आपको E7 का एरर हट चुका है और E0 जो बर्तन सेंस करने का होता हुआ चुका है। चलिए एक बार हम फिर 1000 DC वोल्ट पर मीटर को सेट करके वोल्टेज को हम चेक करते हैं। देखिए अब जिस रेजिस्टेंस पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था उसके इनपुट पर हमें करीब 134 वोल्ट है, जो कि मीटर सही से नहीं पकड़ रहा है तो, और उसके रेजिस्टेंस आउटपुट पर हमें 72 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। यह देखिए वहाँ पर था। अब हमारे IC के जो 20 नंबर पॉइंट है वहाँ पर हमें 3 वोल्ट के आसपास में मिलने लगा होगा। ये देखिए हमें 20 नंबर पिन पर 3 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। चलिए अब हम आपको एक बार बर्तन को रख कर सेंस करके दिखाते हैं। चलिए अब जैसे ही हम बर्तन को रख दिए, अब बर्तन को रखते ही हमारा इंडक्शन E1 का एरर दिखाने लगा। इसके लिए आप न घबराइएगा, इसमें अगर सेंसर नहीं लगा हुआ होता प्लेट में तो E1 का एरर तुरंत आ जाता है। अब हम सेंसर को लगा देंगे, उसके बाद हम बर्तन को रखेंगे तो हमारा E1 का एरर नहीं आएगा। चलिए एक बार हम फिर से ऑन कर लिए और अब बर्तन को हम रखेंगे। देखिए इंडिकेटर ब्लिंक होने लगा, हम सीरीज में लगाए हैं इसकी वजह से ये बर्तन को सेंस कर रहा है, लेकिन E1 का एरर नहीं आ रहा है। चलिए अब हम इसे पैक कर लेते हैं और अब हम आपको एक बार गर्म करके दिखाते हैं। देखिए अब हमने ऑन कर दिया है और अब अपने बर्तन को रखेंगे। देखिए 1300 वाट पर चलने लगा और हमारा बर्तन भी गर्म होने लगा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।